जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको लक्षद्वीप के समुद्रम पैकेज की टोटल इन्फॉर्मेशन देने वाले। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको लक्षद्वीप टूर की इन्फॉर्मेशन दी थी, जिस पर आप सबका काफ़ी प्यार मिला था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको समुद्रम पैकेज की A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाले। जैसे आप समुद्रम पैकेज कैसे ले सकते हैं, समुद्रम पैकेज के साथ साथ में आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, कौन से आइलैंड पर आपको घुमाएंगे, कहां से आपको क्रूज पकड़ना है, ऐसी और भी कई सारी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपके मन में समुद्रम पैकेज से रिलेटिव कोई भी डाउट नहीं रहेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि समुद्रम पैकेज में आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप समुद्रम पैकेज लेते हैं तो आपको लक्षद्वीप का परमिट लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, जबकि अगर आप खुद से ये ट्रिप करते हैं तो आपको लक्षद्वीप का परमिट लेना होगा। इसके बाद दोस्तों, आपका कोची से बाई शिप लक्षद्वीप तक जाने का और वापस आने का खर्चा भी पैकेज के साथ में ही होता है। और इसके अलावा आपका सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना और दिन में 2 टाइम साय का खर्चा भी आपके पैकेज के साथ में इंक्लूड होता है। इसके अलावा लक्षद्वीप में घूमने का और रुकने का खर्चा भी आपका पैकेज के साथ में ही हो जाता है। और समुद्रम पैकेज से आप लक्षद्वीप में कुछ वाटर एक्टिविटी भी फ्री में कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, लक्षद्वीप का समुद्रम पैकेज 2 टाइप का होता है, एक गोल्डन पैकेज और एक डायमंड पैकेज। और इनकी प्राइस और इनके बीच में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप समुद्रम पैकेज कहां से ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप समुद्रम पैकेज ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पर जाकर ऑनलाइन अपना समुद्रम पैकेज बुक कर सकते हैं। वही अगर आप ऑफलाइन ये पैकेज लेना चाहते हैं तो कोची में कई सारे ट्रेवल एजेंट है, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और वहां से अपना समुद्रम पैकेज बुक कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप ऑनलाइन ही अपना समुद्रम पैकेज बुक कर ले, ताकि आपको एक्स्ट्रा चार्ज न देना पड़े और आपकी बुकिंग भी जल्दी हो जाए। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आप समुद्रम पैकेज लेते हैं तो किस तरीके से आपका ये पूरा टूर होगा। तो दोस्तों, समुद्रम पैकेज बुक करने के बाद आपका जिस भी दिन क्रूज है उस दिन आपको सबसे पहले कोची के स्कैनिंग सेंटर पर आना होगा। इसकी लोकेशन हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और आप कोशिश करें कि स्कैनिंग सेंटर आप कम से कम 2 घंटे पहले पहुंच जाए, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह होती है जिसमें आपको टाइम लग सकता है। यहाँ पर आकर आपको सबसे पहले अपना बोर्डिंग पास लेना होगा। इस बोर्डिंग पास पर आपके रूम नंबर वगैरह लिखे रहते हैं। बोर्डिंग पास लेने के बाद आपको अपनी सिक्योरिटी चेकिंग करानी होगी और सिक्योरिटी चेकिंग होने के बाद आपको स्कैनिंग सेंटर से बाई बस क्रूज तक लेकर जाते हैं और फिर आप अपने क्रूज में जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, आपका क्रूज कोची से स्टार्ट होगा। नॉर्मली क्रूज सुबह में 9 से 10 बजे स्टार्ट हो जाता है और दूसरे दिन मॉर्निंग में मिनिकॉय आइलैंड पर पहुंच जाता है। यानी कि आपका फर्स्ट डे और फर्स्ट नाइट क्रूज में बीतेगी, तो आप पहले दिन में पूरे क्रूज को एक्सप्लोर कर सकते हैं और खुले आसमान का व्यू देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, शिप में खाने पीने के रेस्टोरेंट बने हुए, आप वहां पर जाकर खाना पीना कर सकते हैं। और खाने का टाइम जब आप पैकेज बुक करते हैं तो उसके साथ में मिल जाएगा कि आपको किस टाइम पर खाना नाश्ता वगैरह मिलेगा। इसके बाद दोस्तों, आप दूसरे दिन में मिनिकॉय आइलैंड पर पहुंच जाओगे। मिनिकॉय आइलैंड पर पहुंचने के बाद टूर गाइड आपके साथ में चलेगा और आपको मिनिकॉय आइलैंड की सभी टूरिस्ट प्लेस विजिट कराएंगे। मिनिकॉय आइलैंड पर आप कई सारी टूरिस्ट प्लेस को विजिट करेंगे और यहाँ पर आप कई सारी वाटर एक्टिविटी भी इंजॉय कर सकते हैं, जो कुछ एक्टिविटी पैकेज के साथ में फ्री होती है, जबकि कुछ एक्टिविटी के लिए आपको अलग से चार्ज पे करने होंगे। और अगर आप स्कूबा करना चाहते हैं तो स्कूबा के लिए आपको अलग से 2 से 3 हज़ार रुपये देने होंगे, क्योंकि स्कूबा पैकेज के साथ में इंक्लूड नहीं होती है। तो दूसरे दिन में आप पूरे दिन मिनिकॉय आइलैंड पर विजिट करेंगे। इसके बाद शाम के टाइम में आपको वापस क्रूज में लाया जाता है और आपका जो भी क्रूज में रूम है आपको पूरी नाइट उसी रूम में रुकना होगा। इसके बाद दोस्तों, तीसरे दिन में आपको क्रूज से कवरत्ती आइलैंड पर लेकर जाएंगे और कवरत्ती आइलैंड की टूरिस्ट प्लेस पर घुमाएंगे। यानी कि डे 3 में आप कवरत्ती आइलैंड पर घूमेंगे। कवरत्ती आइलैंड भी बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है, आप यहाँ पर भी खूब इंजॉय करेंगे। बाकी आपको वाटर एक्टिविटी वगैरह तो हर आइलैंड पर करने को मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों, तीसरे दिन की शाम में आपको वापस क्रूज में लाया जाता है और तीसरे दिन का नाइट स्टे भी आपको क्रूज में ही करना होगा। इसके बाद दोस्तों, आपको चौथे दिन में कालपेनी आइलैंड पर लेकर जाएंगे और आपको चौथे दिन में वो कालपेनी आइलैंड पर घुमाएंगे। कालपेनी आइलैंड भी लक्षद्वीप का बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है, आप यहाँ पर भी खूब इंजॉय करेंगे। तो आप अपना चौथा दिन कालपेनी आइलैंड पर स्पेंड करेंगे। और अभी दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि आपको हर दिन सुबह का नाश्ता 8 बजे के आसपास में क्रूज में करना होगा और रात का डिनर भी आपको क्रूज में ही करना होगा। बाकी दोस्तों, दोपहर का लंच आपको जिस आइलैंड पर घूम रहे वहां पर मिलेगा।
बाकी टूर गाइड आपके साथ में चलेंगे। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अपना डे फॉर काल्पेनी आइलैंड पर स्पेंड करेंगे और फिर शाम के टाइम में आपको वापस क्रूज में लाया जाएगा। फिर वो क्रूज वापस कोची के लिए चलेगा और पांचवें दिन में क्रूज आपको वापस कोची में छोड़ देगा। तो दोस्तों ये टोटल टूर प्लान रहता है समुद्रम पैकेज का। अगर हम पूरे टूर पर एक नजर डाले तो डे वन में आपका क्रूज कोची से रवाना होता है और दूसरे दिन में मिनिकॉय आइलैंड पर जाता है। दूसरे दिन में आपको मिनिकॉय आइलैंड पर घुमाते हैं। इसके बाद आपको तीसरे दिन में कवरत्ती आइलैंड पर घुमाते हैं। चौथे दिन में आपको काल्पेनी आइलैंड पर घुमाते हैं और पांचवें दिन में आपको वापस कोची छोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये टोटल 5 दिन का टूर प्लान रहता है समुद्रम पैकेज का। बाकी दोस्तों हमने आपको जो भी जानकारी दी है ये इस समय की जानकारी है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है कुछ टाइम के बाद इस पैकेज में कुछ बदलाव हो तो आपका क्रूज पहले मिनिकॉय आइलैंड के बजाय कवरत्ती आइलैंड पर जाए और उसके बाद आपको अलग अलग आइलैंड पर घुमाए। बाकी दोस्तों घूमने का और रुकने का प्रोसेस तो यही होगा जो हमने आपको इस वीडियो में बताया है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि समुद्रम पैकेज दो टाइप के होते हैं, एक गोल्डन पैकेज और दूसरा डायमंड पैकेज। तो दोस्तों डायमंड पैकेज 10 साल के ऊपर के लोगों के लिए 25,000 रुपए का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लिया जाता है और 12,500 रुपए टूर चार्ज लिया जाता है। यानी कि डायमंड पैकेज आपको 37,500 रुपए का मिलेगा प्लस 5% GST। और अगर आपके साथ में 1 से 10 साल का बच्चा है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा 25,000 रुपए लिया जाता है और टूर चार्ज 8,000 रुपए लिया जाता है। यानी कि 1 से 10 साल के बच्चे का टूर पैकेज 33,000 का होगा प्लस 5% GST। बाकी दोस्तों डायमंड पैकेज में आपको वो सभी सुविधा मिलेगी जो हमने इस वीडियो में बताई है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं गोल्ड पैकेज की। तो दोस्तों गोल्ड पैकेज में जिनकी उम्र 10 साल से ज्यादा है उनका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा 18,000 रुपए लिया जाता है और टूर चार्ज 10,500 रुपए लिया जाता है। यानी कि गोल्ड पैकेज आपको 28,500 रुपए में मिलेगा प्लस 5% GST। वही 1 से 10 साल के बच्चे का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा 18,000 रुपए लिया जाता है और टूर चार्ज 8,000 रुपए लिया जाता है। यानी कि 1 से 10 साल के बच्चे का टूर पैकेज आपको 25,500 रुपए में मिलेगा प्लस 5% GST। बाकी दोस्तों गोल्ड पैकेज के साथ में भी आपको वो सभी फैसिलिटी मिलेगी जो हमने आपको इस वीडियो में बताई है। बस गोल्ड पैकेज और डायमंड पैकेज में फर्क सिर्फ इतना होता है कि आप जो वीडियो में देख रहे ऐसे 2 बेड का रूम आपको डायमंड पैकेज में दिया जाता है, जबकि गोल्ड पैकेज में ऐसे 4 बेड वाला रूम दिया जाता है जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यानी कि डायमंड पैकेज में 1 रूम में 2 लोग रुक सकते हैं, जबकि गोल्ड पैकेज में 1 रूम में 4 लोग रुकते हैं। तो अगर आप कपल है तो आप डायमंड पैकेज ले सकते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं कि आपको कौन सा पैकेज लेना है। बाकी दोस्तों अगर आप बिना किसी पैकेज के लक्षद्वीप का टूर करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी भी हमने आपको पिछले वीडियो में दी थी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपके लक्षद्वीप के समुद्रम टूर पैकेज से रिलेटिव काफी सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताए। हम मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।